डू द वर्क बुक के लेखक स्टीवन प्रेसफील्ड ने बताया है कि क्यों हम हर जगह पे अटक जाते हैं, खासकर जब हम कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। इस बुक में स्टीवन हमारी क्रिएटिविटी के बारे में प्रैक्टिकली बात करते हैं। ये बुक हमें हमारे क्रिएटिव प्रोजेक्ट के लिए गाइड करेगी। ये प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक बुक लिखना या किसी बिजनेस को स्टार्ट करना, ऐसी ही और कई चीजें। हमें स्टीवन बताएंगे कि कैसे स्टार्ट टू एंड प्रोजेक्ट को करना चाहिए, और ये सब हम रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। रेजिस्टेंस यानी रुकावटें, जो कई रीजंस की वजह से आती हैं। हम अपने रास्ते पे बहुत सारे रेजिस्टेंस पॉइंट से गुजरेंगे, जहां पे डर, खुद की बुराई, चीजों को आगे धकेलना, सेल्फ डाउट और ऐसे कई सारे दुश्मन हमारे रास्ते में आएंगे। ये बुक हमें दिखाएगा कि ये चीजें कब हमारे रास्ते में आती हैं और कैसे हमें उन चीजों से लड़ना चाहिए। इस बुक के तीन पार्ट्स हैं, बिगनिंग, मिडल, एंड। डू द वर्क बेसिकली एक रोड मैप है जो हमें बताएगा कि कैसे चीजों को पूरा करना है, स्पेशली उन चीजों को जो हमारे लिए सच में अहमियत रखती हैं। हमने ये तो जान लिया कि रेजिस्टेंस मतलब रुकावटें, पर अब हम ये जान लेते हैं कि हमारी लाइफ में रेजिस्टेंस को कब आना पसंद है। ये तब आएगा जब आप अपने दिल की आवाज सुनना चाहते हैं, यानी कि जब आप कुछ नया करना चाहते हैं, जैसे कि कोई हेल्थ रूटीन स्टार्ट करना, या जब आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाहते हो, या कोई ऐसी एक्टिविटी करना चाहते हैं जो आपकी बॉडी शेप को परफेक्ट बना दे, या जब आप किसी आदत को छोड़ना या कम करना चाहते हो। रेजिस्टेंस यूनिवर्सल है। हम अकेले नहीं, बल्कि दुनिया के सारे लोग रेजिस्टेंस से लड़ रहे हैं। रेजिस्टेंस का मकसद हमारी क्रिएटिविटी को मुकम्मल तौर पे खत्म करना है। बिगनिंग, कभी कभी तैयारी करने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए और बस स्टार्ट कर देना चाहिए। हमारा मेन दुश्मन रेजिस्टेंस है। उसे थोड़ा भी वक्त मिल गया तो वो आपको रोक सकता है। अच्छी चीजें उन्हीं के साथ होती हैं जो रेडी होने से पहले ही स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि तब हम पूरी एनर्जी के साथ होते हैं। और एक बार स्टार्ट कर लिया तो जिस हिम्मत से स्टार्ट किया है तो उसी से और ज्यादा हिम्मत पैदा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तक कोई कमिटमेंट नहीं करता तब तक वो कंफ्यूज होता है और उसके पास पीछे हटने का चांस होता है, इसलिए वो इतना ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। पर अगर आप पूरी हिम्मत के साथ तय करेंगे और बस स्टार्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अगर आप कुछ भी स्टार्ट करने से पहले रिसर्च करना चाहते हो तो लेखक कहते हैं कि आपको उसके लिए भी एक लिमिट तय करनी होगी। आपको ज्यादा थिंकिंग और टॉकिंग भी नहीं करनी है। आइडियाज को अपने आप आने दो। ज्यादा रिसर्च करना भी रेजिस्टेंस बन सकता है, क्योंकि आपको काम करना है, न के काम के लिए सिर्फ तैयारी करते रहना है। लेखक का कहना है कि ओवर थिंकिंग मत करें, ओवर प्रिपेयर मत करें, रिसर्च को रेजिस्टेंस मत बनने दें। सबसे पहले आपको अपने आइडियाज को लिखना होगा। आपका आइडिया कैसा भी हो, उसकी आउटलाइन लिख दो। आप उसे बाद में मॉडिफाई भी कर सकते हो। थॉट्स एंड चैटर। आपने कभी न कभी मेडिटेट करते हुए देखा होगा कि आप एक मोड में आ जाते हो, जहां पे आप लगातार ख्यालात को उभरते हुए देखते हो। आपके माइंड में एक थॉट आता है, चला जाता है, फिर एक और नया ख्याल आता है, और ऐसे ही चलता रहता है। पर असल में ये थॉट्स नहीं हैं, ये चैटर यानी सिर्फ बातें हैं। लेखक कहते हैं कि वो खुद जब 30 साल के थे, जब उन्हें पहला एक्चुअल थॉट आया होगा, उनका कहना है कि उससे पहले वो जो भी सोचते थे वो मॉन्की माइंड चैटर था, या ये कह सकते हैं कि वो ऐसी बातें थीं जो उनके इर्द गिर्द लोगों ने कही थीं, और वही बातें बार बार वापस आ रही थीं।
लेखक जब कहते हैं कि ज्यादा मत सोचो, तब उनके कहने का मतलब है कि इस चैटर को मत सुनो, यानी उन लंबी अनकनेक्टेड इमेजेस की तरफ मत ध्यान दो जो आपके माइंड में आती रहती हैं। वो आपके थॉट्स नहीं हैं, वो चैटर हैं, वो रेजिस्टेंस हैं। मिडल, हमें आज तक ये यकीन करने के लिए कहा गया है कि ह्यूमन नेचर परफेक्ट बन सकता है और इविल को ओवरकम किया जा सकता है, पर ऐसा नहीं है। जब भी आप कुछ क्रिएट करने जाएंगे या खुद पे काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तब आप उसके बराबर रिएक्शन भी स्टार्ट करते हैं, और वो रिएक्शन है रेजिस्टेंस। इस बुक का मकसद ये है कि हम रेजिस्टेंस से आगे बढ़ सकें। आप जो भी नया करने का सोच रहे हैं उसकी पूरी डिटेल लिखें, लेकिन उस दौरान एक बात याद रहे कि आपको उन्हें जल्द से जल्द लिखना है। क्वालिटी के बारे में परेशान न हो, ज्यादा सोचने के बजाय एक्ट करें। लेखक कहते हैं कि अपने प्रोजेक्ट के ए से जेड तक जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुंचो। लेखक कहते हैं कि कोई भी काम करते वक्त हमारा डर कभी भी बीच में नहीं आना चाहिए। आपको बिना किसी डर के उसी लम्हे में काम को स्टार्ट करना है जब आप अपने दिल की आवाज सुन रहे हों। आइडियाज अपने लॉजिक के हिसाब से आते हैं। हमें शायद अपना एंड मिलने से पहले अपना मिडल मिल जाए, या बिगनिंग पहले मिलने के बजाय एंड मिल जाए। आपको इसके लिए रेडी होना होगा। लेखक का कहना है कि हमारे पास एक नोटबुक होनी चाहिए ताकि जब भी हमारे माइंड में कोई आइडिया आए तो हम उसे लिख लें, या हम उसे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो हम वो भूल जाएंगे। हमें अपने आइडिया को इस दुनिया में लाने के लिए सोचना है। अगर आपके दिमाग में एक सॉन्ग चल रहा है तो समझो वो पहले ही बन चुका है। आपके दिमाग को जरूर वो सुनाई दे रहा होगा, वो मौजूद है। वो एक सिग्नल जैसा है जो दूर से एक रेडियो टावर के थ्रू आ रहा है। हमारा काम है बस उसकी फ्रीक्वेंसी ढूंढना। आपके दिमाग में एक आइडिया आएगा और आपको लगेगा कि ये पागलपन है, लेकिन लेखक कहते हैं कि हमारे दिमाग में जो अपने आप आइडिया आता है वही सबसे बेस्ट आइडिया है। जब भी आप किसी काम को करना स्टार्ट करते हैं तब अपने आप एक एनर्जी आ जाती है। एक आर्टिस्ट जब अपने काम में अपना प्यार डालता है, वो उसे पैशन, इंटेंशन और होप के साथ भर देता है, और ये सब देख के यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता ही है। आपका काम करना एक दायरा बनाता है और उसमें कुछ ना कुछ अट्रैक्ट होता है। आपका वर्क इन प्रोग्रेस खुद का एक ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है, और इस फील्ड में अपने आप कुछ तो अट्रैक्ट होता ही है, और वो अट्रैक्ट होने वाली चीज है आइडियाज। आपने कुछ लाइन लिखने के साथ शुरुआत की थी, पर अब आपके पास एक पूरा का पूरा गाना है। आपके विल और विजन की वजह से प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, अब उस प्रोसेस ने अपनी ही एक मूवमेंट पकड़ ली है। एंड लेखक कहते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट का फिनिशिंग पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम फिनिश नहीं कर सकते तो हमारा काम कोई मायने नहीं रखता। जब हम अपना प्रोजेक्ट शिप डिलीवर करते हैं तब हम डिक्लेयर करते हैं कि वो अब अपने प्राइम टाइम के लिए रेडी है। उनके एक फ्रेंड ने बहुत मेहनत की थी, उसने एक पर्सनल नावल प्रोड्यूस किया। जब वो खत्म हुआ तो उसने वो काम अपने एजेंट को भेजने की तैयारी भी कर ली, पर वो भेज नहीं पाया। रिजेक्शन ऑफ फियर ने उसे डरा दिया। लेखक अपनी एक सच्ची कहानी बताते हैं। उन्होंने 17 साल बाद प्रोफेशनल राइटिंग हासिल की। वो एक मूवी पे काम कर रहे थे। लेखक को यकीन था कि उनकी राइटिंग ब्लॉकबस्टर होने वाली है। उन्होंने अपने प्रीमियर के दौरान एक्स्ट्रा रूम भी बुक किया था, ये सोच के कि कामयाबी के बाद उसको सेलिब्रेट करने के लिए चाहिए होगा, पर कोई नहीं आया।
और वो मूवी इतने खास तरीके से नहीं चली और लेखक भी क्रश हो गए थे। वो 42 साल के थे। उन्होंने बाकी सब कुछ दे दिया था एक राइटर बनने के ड्रीम के लिए। और ऐसा उस वक्त हुआ जब उनका नाम एक हॉलीवुड प्रोडक्शन में आया था और तब उनकी राइटिंग फ्लॉप हो गई। उन्हें लगा कि वो लूजर हैं। तब उनके फ्रेंड ने उन्हें इस सोच से बाहर निकाला। उन्होंने लेखक से पूछा कि क्या वो क्विट करेंगे, तो लेखक ने कहा बिल्कुल भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि फिर खुश हो जाओ, तुम वहां पे हो जहां पे आना चाहते थे। तो क्या हुआ कि तुमने थोड़ी बहुत मुश्किलें देखी। मुश्किलें तो एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी क्योंकि अब तुम मेन एरिया में हो, ना कि साइड लाइन पे। कंप्लेंट करना बंद कर दो और शुक्रगुजार रहो। तब लेखक ने रियलाइज किया कि अब वो प्रो बन चुके हैं। उन्होंने अभी तक सक्सेस तो नहीं देखी, पर उन्होंने असल नाकामी देख ली थी। हम जब शिप करेंगे तो दुनिया का जजमेंट मिलेगा, पर उसके अलावा हमें अपने प्रोजेक्ट की रियल ताकत समझ में नहीं आएगी, इसीलिए शिप कर दो। लेखक का कहना है कि मेरा वादा है कि एक बार अगर आपने रेजिस्टेंस को हरा दिया तो वो आपके ऊपर जाने की पावर कभी नहीं रखेगा। हाँ, वो अभी भी मौजूद रहेगा, आपको उससे लड़ना पड़ेगा, पर एक बार उसे बीट करने के बाद आपको पता होगा कि उसको फिर से कैसे बीट करना है, और ये चीज आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देगी। लेखक उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं जिन्होंने अपनी रेजिस्टेंस को खत्म किया और आगे बढ़े हैं। वो कहते हैं कि भले ही आपने 40 पाउंड्स कम किए हैं या किसी के खोने के दुख को सहा है, असल में आपने खुद को रेजिस्टेंस को बीट करने वालों की सोसाइटी में लाया है। आप खुद पे प्राउड हो सकते हो, भले ही आप फेल हो गए हो, भले ही आप हजार बार फेल हो जाओ, पर आपने वो कर दिखाया है जो बाकी सब सोचने की करते हैं। आपने खुद की एक नई लाइफ बनाई है। लेखक ने जब 17 सालों की कोशिश के बाद अपनी पहली नावल फिनिश की तो वो अपने मेंटोर के पास दिखाने गए। तब उनके मेंटोर ने कहा बहुत अच्छा, अब दूसरे प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करो। लेखक हमें भी यही कहते हैं कि पहली कामयाबी के बाद सेलिब्रेट करो और फिर से काम पे लग जाओ। इसी के साथ ये समरी यहीं पे खत्म होती है। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।